नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण, मेरे साथ है हमारे सोलंकी सर। आप जानते हो किशोर सर मेरे साथ रहे, सोलंकी सर रहे, सोलंकी और सुखदेव चौधरी भी आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीन कितने लोग आ सकते हैं पढ़? मैं हो गया, किशोर सर हो गए, सुखदेव सोलंकी हो गए, सुखदेव चौधरी हो गए। तो ये सब लोग मिलके गुरुनीति की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज 25वां गुरुनीति हम लोग शूट करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट हो रहा है, यानी टोटल 45 वीडियो हमारे होंगे। उनमें पहले 24 वीडियो 11th क्लास में पार्ट हो चुके हैं। तो 11th का शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों 7 जनवरी 2021 की। ये वीडियो 7 जनवरी 2021 को अपलोड हुआ है। कमिटमेंट किया था हमने कि पूरे 180 वीडियो देंगे। जब ये बात सोची थी ना सोलंकी सर, तब लोगों ने कहा ऐसे कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं यार, करना आप शुरू हो जाओ, करना बहुत इजी है। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टेट, और इलेक्ट्रोस्टेट के आप जानते हो तीन गुरुनीति आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि बड़ा पार्ट मानते हैं इलेक्ट्रोस्टेट हम। तो उसके तीन ही वीडियो होंगे, प्रॉपर हमें टाइम मिलेगा, प्रॉपर हमें डेटा कंटेंट्स के लिए बात करने का भी अवसर इसमें मिलेगा। ठीक है डियर, एक बार फिर से कहता हूं, आपके जो भी दोस्त हैं उन सबको गुरुनीति के लिए आप दोस्तों प्रेरित करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, बॉटनी और आईटी के लिए भी आ रही है, सब जा रही है। सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हैं इसको। और दोस्तों, आज 7 जनवरी इसको मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सब जानते हो 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लास की परमिशन सरकार दे रही है। तो ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है हमारे अलवर, जयपुर, सीकर, जोधपुर, चारों सेंटर पे हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है। कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है, वहां भी ऑफलाइन टेस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ओके डियर, एक बात और करना चाहता हूं। तो सीकर में हमारे खुद के अपने स्कूल भी हैं, सीबीएसई के और आरबीएसई के। कहने का मतलब आपको केवल स्कूलिंग करनी है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 परी फाउंडेशन, 11-12 फाउंडेशन, आफ्टर 12 टारगेट आईटी मेडिकल, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के साथ हम लोग काम करते हैं। ये हमारा एक सेटअप इंस्टीट्यूट का सीकर में है। तो शुरू करें जी। तो मैं कई वीडियो बाद आपके बाद वेबसाइट आप लोगों ने करवाया, उसके बाद मैं बीच में थोड़ा किसी व्यस्तता हो गई थी क्योंकि ये ऑफलाइन की प्लानिंग हम लोग लग गए थे। शुरू करें भाई, इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट फर्स्ट पास 25वां वीडियो 7 जनवरी 2021 में आ रहा है। देखो इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर आवेश, देखो दोस्तों आवेश पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आवेश स्थिर और एक आवेश गतिशील। गति आवेश करने लग जाए तो करंट बन जाती है जी, सीधी सी बात है। तो यह स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, यहाँ आवेश स्थिर है और जैसे आवेश गति करने लग जाएगा करंट हो जाएगी। करंट ये टॉपिक तो क्या क्या सीक्वेंस तो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टेट होगा, कैपेसिटर होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, फिर करंट के इफेक्ट होंगे। करंट का इफेक्ट हो मैग्नेटिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जी, इफेक्ट ऑफ केविल ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ करंट, उसके बाद आपका आएगा मैग्नेटिज्म, फिर आपका आएगा एसी। ये पूरी सीक्वेंस है। और इलेक्ट्रोस्टेट से लेकर एसी तक मेडिकल में, नीट में ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जो करीब किस्म के सही हो सकते हैं ढंग से काम आदमी करे तो। ओके डियर, तो ये आपका स्थिर आवेश है। यहां पर एक बात छोटा मारो, सबसे पहले आवेश पे दोस्त दो क्वेश्चन है, एक आवेश V इक्वल टू जीरो, एक आवेश V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक कोई चार्ज V इक्वल टू नॉट कॉन्स्टेंट। सिंपल सी बात, चार्ज प्लस माइनस कुछ हो सकता, फिर नहीं पड़ता इससे। यदि चार्ज कॉन्स्टेंट है, चार्ज रुका हुआ है, तो केवल क्या जरूरत करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज मूवेबल है बट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। चार्ज मूवेबल भी है और उसकी स्पीड है वो वेरिएबल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, जिसको अपन ईएमडब्ल्यू कह सकते हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। हिंदी में कहूं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यस सर, दोस्तों स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। वेरिएबल वेलोसिटी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, विद्युत क्षेत्र भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग भी पैदा करता है। इसी के साथ ये बात दोस्तों आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद एक बात सुनना कि मानो कोई बॉडी है, इस बॉडी से आप कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इस पर चार्ज क्या बचेगा, और यदि किसी बॉडी पे आप लाके इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो चार्ज क्या हो गया, उदासीन परमाणु है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, हम सब जानते हैं जो चार्ज प्रोटोन का है उतना चार्ज
इलेक्ट्रॉन का है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप सोचो कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो प्रोटॉन सापेक्ष में ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेफरेंस में बढ़ गया, तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एक बात सुनना, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन का मास माना बहुत कम होता है, कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर माइनस 31, लेकिन कम तो हो गया ना। इस दोस्तों ये माना कि कोई इसका मास m प्लस है, ये बॉडी कोई न्यूट्रल है m है और ये m माइनस है, तो सर्वाधिक मास किसका होता है m माइनस का, उससे कम किसका होगा न्यूट्रल बॉडी का, सबसे कम मास किसका होता है पॉजिटिव प्लस का। आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इस बॉडी का मास घटता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मास बढ़ता है और न्यूट्रल बॉडी बीच में हो जाती है वैसे वैसे। बोलो हाँ या ना। चलो जी एक बात और सुनना यार, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात भी करते, उससे पहले एक बात दिमाग दूसरी आ गई मेरे, बोलूंगा बाद में। दोस्तों एक बात ध्यान सुनना हमेशा, चार्ज की टेस्टिंग हमेशा रिपल्शन से की जाती है। जी जी बहुत प्रश्न है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन होता है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है, पर बहुत कंडीशन बनता है कि आपको नेचर ऑफ चार्ज टेस्ट करना हो तो किससे करेंगे, रिपल्शन से। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो, ध्यान रखना चीज का, किसी बॉडी को चार्ज कर देते हो चाहे प्लस चार्ज कर दो चाहे माइनस चार्ज कर दो, तो इस पे भार के प्रेशर लगता है, यदि सीधा लिख दूं वो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके कारण बॉडी हमेशा फैलती है। दोस्तों यह मेरा पहला प्रश्न है कि एक साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज फुलर, ओ बच्चे चाहे नेगेटिव चार्ज दे चाहे पॉजिटिव चार्ज देने से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। तो दोस्तों सीधी सी बात है इसका रेडियस बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सिग्मा आवेश घनत्व है, इसके तीन फॉर्मूले हैं। माना कि कोई एक रोड है एल लंबाई की, इस पे क्यू चार्ज दिया तो इसका सिग्मा होगा क्यू बाई एल। जी एक तार की लंबाई पे आवेश, कलर चेंज करूं, यदि मैं किसी ऐसे बॉडी पे चार्ज दूं कि सारा का सारा चार्ज मेरा आउटर सरफेस पे आ जाए, ये कौन होता है कंडक्टर। जी कंडक्टर चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, दिया गया सारा चार्ज हमेशा सरफेस करेगा। क्यों आएगा पता, क्योंकि चार्ज की टेंडेंसी या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी फ्री बॉडी की टेंडेंसी यही है कि मिनिमम एनर्जी गेन करेगा, और किसी भी इसमें मिनिमम एनर्जी कहाँ होती है सरफेस पे। बोलो इसलिए स्थिति वो ऊर्जा कौन सी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए। देखो भाई आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो ना कि पढ़ दी के आप अच्छी नौकरी लग के स्थायी हो जाओ। जिंदगी में हर व्यक्ति स्थायित्व चाहता है, निर्जीव हो या सजीव हो हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल मिनिमम मिनिमम, और वो किस पे होती है सरफेस पे। एक बात आ गई है, किसी भी कंडक्टर को दिया गया शार्प कम्स आउट ऑन सरफेस। जी क्यों, क्योंकि एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। तो यहां सारी एनर्जी किस पे आ गई, सरफेस पे, सरफेस पे आ गई, तो सरफेस पे आ गई तो यहां क्यों में किसका भाग दोगे, फोर पाई आर स्क्वायर एरिया का भाग दोगे। अब दोस्तों ये माना कि इंसुलेटर है तो यहां नॉन कंडक्टर एक ही बात है, इसको सारा चार्ज तुम दोगे वो सारा काम फैलेगा वॉल्यूम पे, तो दोस्तों इसका सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 πr³। लड़के इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है, इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है, इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है। एक अर्थ सुन रहे, डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट, एकांक में कोई चीज पाई जाना। जी तो यहां फैलाई किस पे, लंबाई पे, या फैलाई किस पे एरिया पे, या फैलाई किस पे वॉल्यूम पे। बोल हाँ या ना। जी आगे चलूं, एक एक सब समझना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन पे आ जा। चलो भाई श्री राम, चला बेटा। फिर देखो जब किसी विधि कोई प्रोसेस है उसकी धातु इतने इलेक्ट्रॉन अठाए गए, इतने इलेक्ट्रॉन अठाए, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन अठाए तो चार्ज प्लस या माइनस, प्लस, और दोस्तों वो चार्ज हमेशा होता है क्यू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस गुणा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो माइनस एन ई हो जाएगा, अठाओगे तो प्लस एन ई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया तेरा प्लस अठाए इलेक्ट्रॉन, एन कितना है 10 टू पावर 9,
e कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ आपस में काट दे कितना बचा 1.6 और 1. माइनस भी है और प्लस भी है तो कौन सा होगा प्लस वाला होगा जिसकी बात मैं कर चुका हूं तेरे से जी क्यू इक्वल टू प्लस और जानते हो ना चार्ज का जो मान है वो हमेशा क्वांटम होता है अभी आगे लोग कह रहे हैं हो गया होगा अभी मानते हैं कि चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ का मल्टीप्लायर होगा अभी वो क्लार्क वगैरह ले रहे हैं बट अभी पार्टिकल आ रहे हैं का कोई मौजूद नहीं मेडिकल में नहीं आएगा सुन ले इतना आएगा मेडिकल में तो आगे चल तू पीएचडी नहीं करने तेरे को अपन इसरो के स्टूडेंट नहीं है आगे आ जा थर्ड में आ जा ये देख माध्यम पर अब आप गुलाम का नियम आ गया पेज खाली कर बैठ गुलाम के नियम की बात करेंगे देखो दोस्तों गुलाम का नियम क्या है माना कि कोई एक चार्ज Q1 है दूसरा कोई चार्ज Q2 है इनके बीच की दूरी एक पहला पॉइंट डिस्टेंस सरफेस से नहीं होती है सेंटर सेंटर से गांठ मान ले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम है वो F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है ये F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दूरियां हमेशा कहां से मेजर होती है सेंटर से बस गांठ मान लेना डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है माना एक Q1 चार्ज है दूसरा Q2 चार्ज है ये भी कहां रखे हुए वो क्यों में निर्वात भी रखे हुए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स सीधा करो इतना पढ़ा रखा आप लोग टीचर में छात्रों ने तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये के तेरा क्या होता है पुत्र 1/4 πε0 ये के CGS में इसका मान एक है हेलो ए साथ में मेरे इसका मान CGS में तो एक है और MKS में 9 × 10⁹ है ओके डियर अब यहां तो क्या भरा हुआ है वो क्यों क्या निर्वात या वही मान लो एक ही बात है सुनो दोस्तों यहां एक कंफ्यूजन होगा रहे एक के तो ये है और एक के और भी आता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं दोस्तों निर्वात का एक होता है वायु का मेरा भंडार है 3 0 के आगे 3 लगा दो ये तरीका है जी जी तो इसको हम एक ही मान सकते हैं क्योंकि निर्वात मिलना वैक्यूम मिलना बहुत मुश्किल है अगला एयर में काम करता है लेकिन पूछ ले भैया निर्वात का वैक्यूम का एक है और एयर मीडियम का सपंडा है 3 0 के आगे 3 लगा दे ये के और ये के अलग अलग है ये के तो अलग है ये गुलाम और इसका नाम है पैरा वृत्तांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए इसको मिटाता हूं मैं और अब मैं बहुत सुंदर चीज पे आता हूं डियर माना कि इनके दोनों के बीच की दूरी आर है ये डिस्टेंस Q1 है ये डिस्टेंस Q2 है Q1 के कारण फोर्स Q2 पे लगता है Q2 कारण फोर्स Q1 पे लगता है जिसकी दिशा हमेशा उसके विपरीत होती है उसके लेकिन इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लेके आऊं तो दोस्तों आर एक इसको ऐसे लगाना पड़ेगा फिर आर एक दो यूनिट वेक्टर और व्हाट इज यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का रिजल्टेंट बोल हाँ भाई सोलंकी सर बिल्कुल बिल्कुल जागते रहो थोड़े से जी F इक्वल टू के Q1 Q2 दिस इज R Q12 तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा R12 का होल क्यूब और R12 का वेक्टर साइन वेक्टर साइन जी जी ये हो गया ये वेक्टर फॉर्म आ गया लड़के कहते हैं क्यूब कहां से आ गया सर अरे क्यूब तब आता जब यहां पर वेक्टर साइन हो ये R12 तो कब आएगा जब ये यूनिट हो यूनिट का मतलब एकांक होता है तो एकांक क्या करता है यूनिट क्या करता है डायरेक्शन दिखा देता है और संख्या को प्रभावित नहीं करता नहीं है तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर जी ओके इसको फिर मिटाता हूं फिर आगे चलता हूं फिर वही दोस्तों कहानी माना अब आरी बोल दूंगा मैं अब तो खुद कहता है F इक्वल टू है 1/4 πε0 Q1 Q2 upon R square अब यहां मैं एक और केस डिवाइड करूंगा जी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुन ले रे भैया पहले जो मेरा K आ रहा था वो था एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जी अब जो K लिया मैंने कंफ्यूज मत हो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है तो F की जगह क्या हो जाएगा F डैश तो माना सुंदर चीज Q1 Q2 चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है तो लगने वाला फोर्स क्या था F वो फोर्स क्या था 1/4 πε0 Q1 Q2 Q के लगाते कोई दिक्कत नहीं आर स्क्वायर बट ये किसके लिए है एयर के लिए कितना है 1 जैसे मीडियम भर दिया तो नया क्या आ गया तो डियर तेरा एफ डैश इक्वल टू रियल में क्या है एफ ऑन के है तो तेरा के क्या है एफ ऑन एफ डैश जी जी
तो ये के डायमेंशनलेस है जी, बिल्कुल विमाहीन, ये के विमाहीन है। क्यों, क्या कहता है, निर्वात में लगने वाला फोर्स अपॉन किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये इस क्लास में बहुत काम आएगा। और लगा एक बात सुन ले सोलर जी पुत्र, यार यदि यदि मैं यहां पर कोई मेटल भर दूं तो उसका के इनफाइनाइट हो जाएगा, के मेटल का के इनफाइनाइट होता है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जैसे अनंत से डिवाइड हो गए जीरो, हाँ है ना। और यदि मैं यहां माना पहले तो फोर्स एफ है और छह डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का माध्यम भर दूं, एक बटा छह गुना हो जाएगा, सुन ले मेरे यार, और डायलेक्ट प्योर को हाँ चालक भर दूं, वो कहता तांबा रख दिया, इसका मतलब कंडक्टर जीरो हो गया है, जीरो हो जाएगा। कंडक्टर नहीं बोलेगा, वो कहे तांबे की प्लेट लगा दी, हाँ। चांदी की प्लेट लगा दी, सोने की प्लेट लगा दी, ओला कंडक्टर, यस बेटर, मेट इज ऑलवेज कंडक्टर। बात नहीं पड़ रही, ओके। अब क्वेश्चन वापस वापस तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। वो कहता एयर में रखे दो चार्ज है, इनमें इतना न्यूटन का रिपल्सन है, रिपल्सन का मतलब दोनों चार्ज सेम नेचर के, दोनों आवेश के मध्य तेल भर दिया तो बल इतना हो गया, तो बताओ तेल का क्या है डाइलेक्ट्रिक, अभी बात हुई F upon F dash, जी जी बिल्कुल, F बोले तो S for power, S to minus 4, 2 power minus 4, और F dash medium में, medium कितना है? 2.5, 10 to power minus 5, अब आजा, थोड़ा सॉल्व कर ले, ये 10 to power minus 4, ये तेरा 2.5, ये तेरा क्या हो जाएगा? 10 to 5, तो ये 5 से कितना? 10 बचा? 10, 1, 10 बचा ना क्यों? 10 में 10 बटा आपको 2.5, जी जी, ये कितना आया? 100 बटा 25, आंसर क्या आ गया तेरा? 4 पहले पढ़ा, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, मीडियम भर दिया, तो F डैश इक्वल F बाई K कर दिया, आंसर आ जाएगा। ओके डियर, आगे चल, पांच चौथे में आ जा भैया, कितना सोना क्वेश्चन। वो कहता है कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, किसी उदासीन चालक की कल्पना करो। वो कहते हैं पोजिशन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज जीरो, इस पर टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। पेज खाली करना, कैसे होगा, शायद ये कोई चार्ज है, जैसे प्लस चार्ज रखेगा तो इसके कारण जितना पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा या क्या होगा, नेगेटिव, टोटल इंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। सही कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, बट ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन जीरो, इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल अपोजिट हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन पे बेटा एक बार, तो आंसर क्या हो गया, सुन ले ये दोस्तों, थ्योरी मैंने कहा ना हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट के तीन गुरु रीति है, तो आराम से क्वेश्चन हमारे पास 40 आज दिए हमने, हम में 40 देंगे, 120 क्वेश्चन देंगे आपको, 120 इलेक्ट्रोस्टेट में हम आपको 120 देंगे। और उसी की बात और है, कैपेसिटर का एक अलग से है, जी जी, कैपेसिटर पे एक सेपरेट और है, तो इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर को मिला के आपको हम चार वीडियो देंगे, 160 आपको आ जाएंगे। चलो आगे चलो भैया, वो कहता समान मास के धातु गोले ए को धनावेश किया, ए को आपने क्या किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे एक समान धातु गोले को आपने ऋणावेश किया, तो उसमें क्या किया, नेगेटिव किया, जोड़ा, तो क्या कहता है, ए का द्रव्यमान घटेगा और बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, अन्य अन्य बी मान लो चलो, तो ए का, तो क्या कहता है, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, बी का द्रव्यमान घट जाएगा ना, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का मास बढ़ जाएगा, दूसरा बी बोलते हैं, बी दगाना बोल गया होगा, दूसरा बी है, कोई दिक्कत, इंग्लिश में दिखाओ, इंग्लिश कोई बात चलता है इतना, तो एक अन्य बी के धातु जोड़ा, बी को नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जी ओके डियर। आगे जब फिर वो आ गया, जी ये मेरा लाडला प्रश्न है, सुनो भाई, देखो डियर सुनो, चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से, देखो सुनो एक मिनट, यहां बात सुनो, देखो सत्य बात सुनो, ये मान ले पॉजिटिव है और ये तेरा नेगेटिव है, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया जिसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है, धनात्मक ऋणात्मक होगी, एक गांठ बांध जी, जिसको अपन तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां जाता है, लो पोटेंशियल, गांठ बांध, इसलिए पॉजिटिव क्या बोलते हैं, हाई हाई हाई, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, इसी बात, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, कॉमन सेंस की बात, जी ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, यदि मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ू तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, प्लस के पास आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्लस खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से कहां पर आता है, हाई पे, इसीलिए कहते हैं ना करंट की दिशा के विपरीत रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, करंट हमेशा कहां जाती है, हाई पोटेंशियल से लो, इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, लो से हाई, इसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन के संचरण की दिशा करंट की विपरीत होती है, बस ऐसी कुछ बात कह रहा है जी। अगला साहब कहते हैं, जब किसी पृथ्वी, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा, जोड़िए
पृथ्वी से वस्तु के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से जा रहे हैं वस्तु की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कॉमन सेंस इधर क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस, तो साफ कहता है इसका तात्पर्य है वस्तु जो है वो पॉजिटिव है। ये बेसिक लॉजिक होते हैं, रिपीट करो बात को बिल्कुल। ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तू कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन पे ये तो धक्का मारेगा ये खींचेगा, अच्छा फोर्स सुने प्लस होगा तो उधर जाएगा, इस पे भी फोर्स कितना लगना है QE, इस पे फोर्स कितना लगना है QE, ये कॉमन सेंस की बात है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है QE समान। अब QE के कारण मूव करें एक बात और कर लगे हाथ है तो Q बराबर MA हो जाता है जी, Q बराबर MA हो जाएगा। एक को अपन कहेंगे त्वरित हो रहा है, एक कहेंगे मंदित हो रहा है जी। फील्ड के साथ जा रहे हो तो वेग बढ़ेगा, एक्सीलरेट हो रहे हो उल्टा रहे हो तो रिटार्ड हो रहे हो, सीधी सी बात वही बात यहां पर जी चुका। यहां एक बात और बता दो क्या थी, बहुत सोना प्रश्न मेरा प्रिय प्रश्न है, ये कोई चार्ज है क्यू, मुझे नहीं पता कौन है, ये इक्विलिब्रियम में खड़ा है यहां पर, ये इक्विलिब्रियम में खड़ा पता नहीं क्या इसकी नेगेटिव, देख लीजिए इक्विलिब्रियम में खड़ा मुझे नहीं पता इस पे mg किधर लगेगा नीचे तो। अगला इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है, सुनो रे साम्य अवस्था का मतलब ही होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो, उतना का उतना फोर्स ऊपर की ओर लगा, ऊपर की ओर फोर्स किस पे लगेगा, किस पे लगेगा पॉजिटिव, ऊपर की ओर फोर्स पॉजिटिव लगेगा कितना QE। तो दोस्तों यहां जो कहानी है वो है mg बराबर QE, बट इसकी चार्ज नेचर क्या है पॉजिटिव। अब ये कई बार क्या कहता है कलर चेंज कर, ये कहता है इस प्लेट को आपस में इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो तब प्लेट को आपस में इंटरचेंज कर दिया, देख ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर, नीचे माइनस कर दिया ये कौन है प्लस है, तो इधर पुत्र क्यूई भी किधर है नीचे नीचे की ओर, mg भी किधर हो गया नीचे की ओर, तो टोटल फोर्स जो हो गया वो दोस्तों mg प्लस क्यूई क्यूई हो गया, और क्यूई की वैल्यू क्यूई की वैल्यू mg के बराबर है, तो डियर f बराबर क्या आ गया 2mg, f बराबर क्या होता है ma, तो ma बराबर क्या आ गया 2mg, m से काट एक मीटर क्या हो गया 2g, ये पूछा गया बस कई बार आया गया सही बात, कई बार दिमाग चालू होने के बाद वो 20 साल जो अंदर बैठा पड़ा ना वो भरा आता रहता है, ये दोस्तों बड़ी प्यारी चीज है। चलो आगे जा सुनोगे सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, 7 को पढ़ने से पहले एक दिमाग में बात आ गई मेरे यार, गुलाम का तो नियम पढ़ा दिया जी, अपने को एक बात और पढ़नी पड़ेगी साम्यावस्था नहीं अध्यारोपण, अध्यारोपण सुपरपोजिशन जी, सुन लो भाई गुलाम के नियम में खास बात है कि जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है तो वहां रखे अन्य चार्ज का कोई रोल नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो तो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तीसरा पास बैठा उसे कोई लिंक है नहीं, बस सीधी सी बात सुनना, इसको कहते हैं रूल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है जी, वो बस यही है। उसके बाद एक शब्द का आपने इक्विलिब्रियम साम्यवस्था का सिंपल मत फिनिश का, जहां भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको चेक करनी है आप टोटल फोर्स क्या कर दो जीरो पे, बस आप इस पे आ जाओ। ये कहता है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज, देखो एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है और यहां को क्यू चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस आपकी आर बाई टू ये डिस्टेंस आपकी आर बाई टू। अब वो कहता है कि दोस्तों ये निकाय है वो इक्विलिब्रियम है, तो पहले इस कॉमन सेंस की बात इसको क्या करना पड़ेगा इस पे कलर चेंज करो तेरे लिए पुत्र, इसके ऊपर तेरे को फोर्स क्या करना है जीरो, इसको मैं एक नंबर कह दूं इसको दो नंबर कह दूं इसको तीन नंबर कह दूं, तो एक फोर्स तो है एफ एक और तीन के बीच जी, एक फोर्स है एफ दो और तीन के बीच, इनका जोड़ जीरो करना है, तो जीरो जोड़ करने का मतलब इसकी नेचर अपोजिट करनी है, उलझा हमें नहीं पता अपोजिट है यार, हम तो कहते हैं एक और तीन के बीच फोर्स है, एक तीन पे फोर्स लगा रहा है दो तीन पे फोर्स लगा रहा है, उन दोनों का सम क्या करना है जीरो जीरो, सीधी बात कर तो एक तीन क्या है ना बोलना के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू आर बाय टू का होल स्क्वायर, आर बाय टू का मतलब आर बाय फोर इक्वल टू जीरो ऐसे बोल दिया, तो के क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे तो तेरे सामने क्यू प्लस फोर क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू अपने आप क्या आ गया माइनस क्यू बाय फोर जी। दो बातें कीमती हैं कि जब मैं एक और तीन के बीच निकाल रहा हूं तो दो का कोई रोल नहीं है, दो और तीन में निकाल रहा हूं तो एक का कोई रोल नहीं, कहने का मतलब इसको बोलते हैं अध्यारोपण का नियम लॉ सुपरपोजिशन। गुलाम कहता है कि दो के बीच बात करो तो तीसरे टांग मतलब रोल ही नहीं क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर,
और इक्विलिब्रियम का मतलब फिर से रिपीट कर दूं, नेट फोर्स जीरो। यस उत्तर, थैंक यू। आगे चलो भाई, ये अपना लाडला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपको पढ़ाया था तब भी दोस्तों कराया था। सुन ले भाई, एक आवेश Q है, इसके दो टुकड़े कर दिए Q और माइनस Q, ध्यान दो Q और Q माइनस Q, Q माइनस Q, उनको अलग अलग कर दिया। अब इनके बीच कूलाम का फोर्स लगेगा, वो अधिकतम है। एक बात याद करो रहे, अधिकतम और न्यूनतम जब भी कभी चेंज करना हो तो उस चीज का आउटकम उसके सापेक्ष करो जो वैरी करता है इक्वल टू जीरो। मिनिमम और मैक्सिमम भी कर सकते हैं, आज के साथ नहीं होगा जी जी। वैरी कौन कर रहा है? क्यू आवेश। खास बात है, जिस चीज के साथ वैरी करना है और जिसको चेक करना है उसका उसके सापेक्ष क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम। खास बात है, बस। तो डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, पेज खाली कर दे भैया। अब अगला कहता है एक Q है, एक Q माइनस, तो फोर्स क्या होगा? K Q Q माइनस Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे? जीरो। इक्वल टू F इक्वल टू F इक्वल टू आ गया। चलो सर, DF बाई DQ क्या होगा? जीरो करना है जी जी जी। तो एक बार चल फिर थोड़ा इसको मैं इजी कर लूं, कि मेरे साथ जो बच्चा मेडिकल का है, K Q Q R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर R स्क्वायर करते हैं बच्चे के लिए। अब आप आ जाओ, DF भाई DQ इक्वल टू जीरो करना है जी जी। ध्यान देना लड़के, F का हार के सापेक्ष नहीं करना है, क्योंकि वेरी कौन हो रहा है? Q Q हो रहा है, उसको चेक करना है। आ जा, तो K कांस्टेंट, हां K और R स्क्वायर के सापेक्ष एक हो गया जी जी। तो तेरा क्या बचा? K Q अपॉन R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का आउटकम क्या होगा? 2 K Q 2 K Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या पूछा? 0। तो आप जानते हो K R स्क्वायर, K R स्क्वायर 0 हो गया, तो तेरे सामने Q माइनस 2 Q इक्वल टू 0 हो गया, तो Q इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई 2 आ गया। सीधी सी बात है जी, क्वेश्चन आ गया बेटा। तो Q इक्वल टू आ गया Q बाई 2, आपको कुछ है Q बाई कैपिटल Q, आंसर क्या आ गया इसका? 2 आ गया। मेरे हिसाब से नीट की पक्की पकाई प्रॉब्लम है, लॉजिकली बात निकलो यार। मैं कहता हूं सीएलसी की सारी गुरु नीति आप 5 बार देख लेते हो ना, तो 640 नंबर आने का विश्वास दिला सकते हैं मेहनत करोगे तो। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव स्टूडेंट हो और एक बार ढंग से, अब आप पूरा ग्रह से ग्रसित हो, मैं उस कोचिंग पढ़ रहा हूं, उस टीचर से पढ़ रहा हूं, और ये तब तो मेरे पास इलाज नहीं भाई। यदि आप फ्रेश मूड से पढ़ोगे ना इसको, बिल्कुल सारी चीजें साइड में करके, अपने खुद के माफी चाहता हूं जिनसे आपने पढ़ा, उन सब सारे ज्ञान को साइड में करके पूर्ण से फॉलो करोगे ना इसको, आपके सुन लो एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा। केवल नॉलेज काम आएगा ना, मैं काम आऊंगा ना अन्य कोई टीचर काम आएगा ना अन्य कोचिंग काम आएगी, केवल तेरे गोले काम आएंगे सही करके आएगा, और वो गोले सही से मुकला देंगे, गारंटी है हमारी। ओके डियर, चलो आगे। ये और थोड़ा क्वेश्चन जी जी, ये एक्चुअल में कैपेसिटर क्वेश्चन है, कैपेसिटी। ये क्वेश्चन संधारित्र का है, लेकिन यहां इसकी बात हम कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। तो क्या कहता है? 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 मीटर के गोले हैं, इस पे ये आवेश है, यदि इनको एक चालक से जोड़ दें तो बड़े गोले पे अंतिम आवेश क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, एक गोला ये, एक गोला ये, जैसे आप इनको तार से जोड़ोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। कैसे? एक टंकी इधर, एक टंकी इधर, दोनों टंकी को पाइप से जोड़ोगे तो पानी बहेगा। पानी बताओ कब तक बहेगा? जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर है नहीं हो जाता है। ओ भाई, छोटी टंकी बड़ी टंकी नहीं रहे, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे ही आता है। छत पे तू टंकी रख दे, छत पे तू गिलास रख दे, और घर के पेंदे में टंकी बना दे, ध्यान चाहूंगा मैं, तो टंकी बड़ी है नीचे, ऊपर गिलास छोटा है, तो पानी क्या टंकी से गिलास? ना ना, पानी तो गिलास से टंकी में आएगा, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे ही आता है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वैसे चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, और चार्ज कब तक बहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर है नहीं हो जाते हैं। पक्का है? पक्का। अब एक बात सुनो, तो माना कि इस पे पहले चार्ज है क्यू जी 1, और इस पे चार्ज है क्यू 2, इसकी धारिता है माना कि सी 1, इसकी धारिता है सी 2, माना इसका वोल्टेज है वी 1, इसका वोल्टेज है वी 2, जैसे तूने जोड़ दिया यहां चार्ज क्या हो गया? क्यू 1 डैश वी, धारिता से नहीं होगी रहे, वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, हाँ क्यू टू डैश वोल्टेज सेम हो गया, नीचे क्या बचा? C2 C1 वही रहेगा, C2 वही रहेगा। तो मैं कैपेसिटर का नियम लगा दूं तो Q इक्वल टू क्या है? CV,
इक्वल टू क्या है सीवी सीवी। तो दोस्तों इसको मॉडिफाई जब हम करते हैं तो लास्ट में इसका जो क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश चार्ज आएगा वो आएगा आर वन बाई आर टू, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक सीधा बोल दूं कि जब दो चालकों को किसी तार से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो उनकी त्रिज्या के रेशियो होता है, ले यार बिल्कुल हो रहा है ना जी। जब भी दो कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और अप टू इक्वल टू पोटेंशियल, तब तक होगा जब तक दोनों व्यव समान नहीं रहेंगे। पर किस रेशियो में होंगे वो, दोनों की रेडियस के रेशियो में, रेडियस के रेशियो में या फिर आप कह सकते हैं धारिता के रेशियो, एक ही बात जी, एक ही बात। तो दोस्तों त्रिज्या रेशियो बस आ जाओ तो डियर क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश इक्वल टू होगा रेडियस आर वन बाई आर, ठीक है। व्हाट इज आर वन, एक बटे तीन, यानी चार्ज है वो एक अनुपात तीन में डिवाइड होगा। टोटल चार्ज कितना है, चार पांच और माइनस एक चार, टोटल चार्ज क्या है चार गुना दस की घात माइनस दो, चार को एक अनुपात तीन डिवाइड कर दो जी, तो एक और तीन डिवाइड हो गया जी, जी, जी। तो छोटे पे तो एक हो गया और बड़े पे तीन हो गया। अगर किसी पूछ रहा है बड़े पे तीन, ये ले तीन गुना दस की घात माइनस दो, तो कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है, तीन गुना दस की घात माइनस दो। कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने बच्चों को, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया भाई, तो आप कहां चला गए। अब ध्यान देखिए थोड़ा सा सीधा करते हैं मैंने भाई, देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या है R 1 by 3, ये वो 1 by 3 बट गया, कौन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है चार, ए भाई छह नहीं है जो माइनस है चार, तो अब चार को एक अनुपात तीन में डिवाइड कर तो एक और तीन आ गया जी। तो तू सामने ऊपर के ऊपर त्रिज्या नीचे, तो छोटे पे तो एक रहेगा तो बड़े पे तीन आ जाएगा, सीधी सी बात है जी। इसके गणित नहीं है कोई, गुणा भाग काम नहीं आएगी, सिंपल एक कॉमन सेंस काम आएगा। आगे चलो भैया, वो कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience electric force equal to its weight। वो साफ कहता है कि QE है वो weight, weight मतलब mg के बराबर है, बराबर है तो E equal to क्या हो गया mg by Q, mg by Q तो कौन E हो गया ना, अरे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट है E हो गया जी। यहां एक बात सुन, ध्यान से तीन चीज ध्यान सुनना, पेज खाली कर बैठा एक मिनट, थोड़ी सीधी बात कर लू। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स किसी चार्ज पर क्यू होता है जी, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है जी। पूरी बात ढंग से बात करते दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर है तो फोर्स है, यहां स्थिर है तो फोर्स जीरो है। दूसरी बात, यहां किसी भी एंगल पे प्रवेश करे फोर्स वही रहना है, जबकि यहां अलग अलग एंगल पे फोर्स अलग अलग होना है क्यू वी वी साइन थीटा। मैं मेरी क्लास की श्रेष्ठ बात करने जा रहा हूं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज इसके साथ है तो पथ क्या होगा रेखीय, और किसी एंगल प्रवेश करेगा तो पथ क्या होगा पैराबोलिक। यहां बहुत तरह क्वेश्चन है, थीटा जीरो है तो फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स नहीं है, बट यदि कोई लंबवत प्रवेश करे तो पथ क्या होता है वर्ताकार, और किसी एंगल प्रवेश करे तो पथ होता है दीर्घवृत्ताकार। ये मेरी क्लास में श्रेष्ठ बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि फील्ड के साथ इंटर कर रहे हो तो फोर्स से क्यू यू पाथ है स्ट्रेट लाइन, किसी एंगल पे कोई एंगल पाथ होगा पैराबोलिक। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा में कर रहे हो पाथ स्ट्रेट लाइन, 90 पे कर रहे पाथ सर्कुलर, और 90 थीटा के अलावा कर रहे तो हेलिकल, सर्पिलाकार, हेलिक्स, हेलिकल जी, ये पाथ होते फिक्स है। और सब सुंदर है जब आप लंबवत प्रवेश करते हो तो वर्ताकार घूमता है, तो दोस्तों QVB और ये QVB इसको क्या देगा m स्क्वायर / r। ये बहुत तरह क्वेश्चन आ गया है, मास्टर ऑफ इस एग्जाम है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्यारी प्रॉब्लम, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। आगे चलो भैया, क्वेश्चन पे आ जाए, भैया पीछा ये हो गया, 10 हो गया, आ जाए 11 पे आ जाए। हाँ शानदार क्वेश्चन, वो कहता है बिंदु आवेश क्यू को आर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे घुमाया जाए। देखो सुनो बच्चों, पेज खाली करना भैया, यहां मैं कुछ बात करना चाहूंगा। दोस्तों माना कि कोई क्यू आवेश है, तो इसके कारण आर दूरी पर जो पोटेंशियल है वो होता है वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। और दोस्तों यहां एक फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू बराबर होता है क्यू गुणा डीवी, वर्क इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आ जाएगी, क्या कहता है अगला कि भाई एक बिंदु क्यू है
इसके आर त्रिज्या का मतलब इस जगह सब जगह वी क्या है समान है, और इस पे यदि किसी चार्ज को घुमाओगे तो कोई कार्य नहीं करना होगा क्योंकि वहां डीवी क्या हो जाएगा जीरो, कौन पढ़ा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा, ठीक है जी आगे चले। हाँ तो ये क्वेश्चन 12 जो है ना ये वैसे भाषा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेट सी बड़ी सी है, आप ऐसा करो मैं एक सिंपल भाषा बनाता हूं, बताओ क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है बी और सी दो गोले हैं जी, आ जाओ ये कोई गोला बी है ये गोला सी है, इसकी रेडियस आर है इसकी रेडियस आर है, इसका चार्ज क्यू है इसका चार्ज क्यू है। अब वो कहता है एक अन्य गोला है ए जो कि उदासीन है, अन्य गोला है ए इसको टच में लाया अपन बी के, इस पे चार्ज क्या है क्यू और इस पे चार्ज q इक्वल टू क्या है जीरो, पर टच पर आने बाद चार्ज क्या हो जाएगा q / 2, इस पे q / 2 इस पे भी q / 2, ठीक है ये a पर भी q / 2 और b पर भी q / 2। अब वो क्या कहता है इस a को c के टच में ले आते हैं, वो a पे कितना चार्ज है q / 2, q / 2 c पे कितना भैया q q, तो अब आप देखो ये a और ये c है टच में लाओगे तो a का आधा कितना होगा डेढ़, डेढ़ का आधा कर दो इस पे कितना है 3 q / 4, इस पे कितना है 3 q / 4, कहने का मतलब है b पर q / 2 है A पर 3q/4 है और C पर 3q/4 है। अब वो कहता है B और C के बीच इतना बल है, पेज खाली कर भाई, B और C के बीच इतना बल है तो F डैश कहेंगे कि B पे कितना है q/2 और C पे कितना है 3q/4 अपॉन क्या है r स्क्वायर, तो तेरे सामने सामने F डैश क्या आ गया 8 आ गया, तो देखा F डैश F 3 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
वोल्ट टच कराते हैं तो चार्ज का होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। कब तक होता है? जब तक दोनों के विभव समान नहीं रहते। और किस रेशियो में होता है? त्रिज्या। और यहाँ स्पष्ट है सारे गुणों की त्रिज्या क्या है? समान है। आधा आधा हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर लैंग्वेज से बच्चों को डराता है। डरना नहीं। यस सर, आगे चले भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा, ये मेरा ऑप्शन है कि द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस दो सिंपल और सिंपल ड्यू टू स्टेबिलिटी अच्यू टू स्टेबिलिटी स्वतंत्र आवेश की न्यूनतम स्थिति ऊर्जा अवस्था रहने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी रहेगी। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों 13 का आंसर नंबर क्या हो गया भैया? एक हो गया। ओके डियर, फिर सुन लो भाई, इससे कम एनर्जी और कहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकती। आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 आ जा। ये और साम्यावस्था का गया, दो बिंदु आवेश है, एक 9e है एक e है, दोनों 16 मीटर की दूरी पे हैं। अन्य आवेश e को इनके बीच कहां रखें कि निकाय संतुलित अवस्था में आ जाए? तो इस पे तो मेरे हिसाब से करो, देखिए इस पे यार, ये मेरा कितने क्वेश्चन है। देख पुत्र, ये 9e है और ये आपका प्लस e है। अब वो कहता है इनके बीच क्यों कहां रखें, माना कि रखा अक्ष दूरी पे हमने, तो दोस्तों माना कि ये दूरी अक्ष है, ये क्या बच गई? 16 माइनस x। अब एक कॉमन सेंस की बात यार, इसके ऊपर को इधर फोर्स लगा दे, इसके ऊपर को इधर फोर्स लगा दे, एक काम करना यार, F और F को अपोजिट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल एंड अपोजिट। इस पे इसको आप क्या करो यार, तो इक्वल एंड अपोजिट कर दो, इक्वल एंड अपोजिट कर दो ना। तो इसका क्या होगा, के 9e क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू के क्यू ई अपॉन 16 माइनस x का स्क्वायर। देख बच्चे, के ई क्यू 9/2 पूरी बात कर ले, 9 अपॉन x स्क्वायर 16 माइनस x का होल स्क्वायर। आप रूट करो इसका, 3 अपॉन x 1 अपॉन 16 माइनस x। एक बार स्टूडेंट, यहाँ डेटा हमेशा वही आएगा जिसका रूट है, हो जाएगा। ये खास बात है इसकी, ये देख इधर देख, 16 की 48 माइनस 3x इक्वल टू x, 48 इक्वल टू क्या है 4x, x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया ना जी। ये डिस्टेंस क्या है 12, और ये क्या होगी 4 अपने आप जी जी। अब देख, अब फिर लग रहा है कि 9e से कितना है 12, 9e से कितना है 12 और e से कितना है 4। अब ये देख आंसर कौन सा है, तो संतुलित अवस्था में हो रहा 9e से 12 सेंटीमीटर सेकंड ऑप्शन। ये बहुत क्वेश्चन है और लॉजिक क्वेश्चन है जी जी, इसमें जान दिमाग की आवश्यकता नहीं जी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें फंडा भी बता दो बच्चों को, बता दो से खुश हो जाएगा, अक्ष निकालना हो जी। तो दोस्तों जिस चार्ज से निकालना है उसको ऊपर रखो, q1 अपॉन रूट x1
प्लस रूट एक्स टू मल्टीप्लाई आर टोटल आर, सही क्या? रूट इसका भी रूट है, रूट यस 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 इसका भी रूट। दोस्तों ये सीधा भी निकाल सकते हैं यदि याद हो तो, कि अब याद आना यदि जो अक्ष है ना वो उस चार से मेजर की है जो ऊपर आएगा जी। चलो आपको तो इसको करके देखने के बाद में फटाफट, तो तेरे सामने अक्ष निकालना ना, रूट क्यू वन नाइन था ना, कितना आया थ्री, ठीक है डियर। अब रूट एक्स वन क्या है, सॉरी रूट क्यू वन, क्यू वन क्यू वन गलत कर रहे पड़े, रूट क्यू वन रूट क्यू टू, रूट क्यू वन क्या है थ्री, थ्री ये क्या है वन, आर कितना तेरा सोलह, सोलह तो ये कितना हुआ चार, ये तेरा चार है ना चार और सोलह हो गया, ये चार हो गया ना, ये चार कितने चार थी बारह, एक्स का मान क्या आ गया बारह, सॉरी वो गलत पड़े कि रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू मल्टीप्लाई आर, ऊपर वो चार जाएगा जिससे आप मेजर कर रहे, बाकी कॉन्सेप्ट इसका ये है जी, ठीक है आगे चल भैया। ये मेरा फिर लाडला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, वो कहता दो समान रेडियस से ये गोले हैं, इस पे प्लस टेन माइक्रो छोटे माइक्रो सेकंड लगे, इस पे माइनस ट्वेंटी है, ठीक है डियर। तो माइनस टेन, टेन और माइनस ट्वेंटी के बीच कोई फोर्स लगेगा वो एफ इक्वल टू होगा माइनस 200 जी, के क्यू वन क्यू आर स्क्वायर 200 हो गया संख्यात्मक। अब वो कहता है यदि उनको संपर्क में लाया जाए, संपर्क में ला के वापस अलग करें तो 10 और माइनस 20 संपर्क लाओगे ना माइनस, तो भाई इस पे माइनस 5 बचेगा, इस पे माइनस 5 बचेगा, ये खास बात है ना, क्यू वन क्यू टू टच कराओगे तो माइनस खत्म कर देगा 10 को, तो कितना माइनस 5 माइनस 5, तो ये दोस्तों एफ डाइट क्वेश्चन क्या बचा प्लस 25 पचपन 25 ये कितना है 200 माइनस वो क्या 25 प्लस जी, तो देखा तो माइनस का चक्कर है नहीं कोई, तो ये हो गया 8:1 रेशियो, अब चक्कर है 1:8 ये 8:1 तो कॉमन सेंस की बात है, एप्पल ऊपर है तो 8:1 8:1 है बोलो हाँ ना जी। भाई इसके मैं तो मेरी ट्रिक्स अपने जी, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं पहले मैंने 10 को 20 से गुणा कर लिया 200, क्यों आर तो वही है के वही कैच कर पड़ो ये 200 आ गया। मुद्दे की बात ये कि टच कराऊंगा इनको मैं, तो टच कराने के बाद ये प्लस 10 है ये माइनस 20 है तो क्या बचेगा माइनस 10, माइनस 10 आधा आधा होगा माइनस 5 माइनस 5 पचम 25 ये 200 25 अंडे हो 8 का भाग दो डिवाइड बाय 8 से तो ये आपका आ गया 1:1 सॉरी 8:1 क्योंकि पहले कौन है दोस्तों 8:1 है ये ध्यान देना भाई, इसमें 1:8 भी है और 8:1 भी है तो दोस्तों आंसर नंबर 2 होगा कि पहले बढ़ा जी आगे चलो। बच्चे को भी ऐसे आपकी तरह शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी नहीं तो इतना टाइम नहीं रहेगा नीट में, तो भैया तभी पार ये तभी लगा पाओगे भैया जब सभी काम करोगे, इसीलिए भैया जो कहते हैं ना मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूं पर तुम मेहनत नहीं करेगा ना कुछ नहीं पड़ता इंटेलिजेंसी का, भाई बहुत सिंपल बात कहता हूँ भैया नीट में सिलेक्शन है, गधों में घोड़ों की दौड़ नहीं है, घोड़ों में घोड़ों की दौड़ है, 17 लाख बच्चे बैठेंगे पूरे देश में, मात्र 1 लाख डॉक्टर बनने पेमेंट से मिला के, राजस्थान की बात करूं तो भैया 15,000 के रैंक वाले बच्चों को मिला मेडिकल डंकी कॉलेज, 13 मानो आप तो 13,000 बच्चों आना भैया, तो 13,000 बच्चों आने के राजस्थान में 20,000 बच्चा बहुत स्टडी करता होगा, उस 13,000 में राजस्थान बच्चा कितना होता है सीधी सी बात ये, इसलिए भैया राजस्थान से 1500 से 2,000 डॉक्टर बनते हैं अच्छी गवर्नमेंट सीट पे और 10,000 राजस्थान में एक जैसा होता है, उन 10,000 में से आपको 2,000 माना है 17 लाख मुझे नहीं जाना है जी जी, इसलिए डायलॉग है मेरा घोड़ों की दौड़ है सारे घोड़े दौड़ने वाले भाई, ये फिर आ गया ये मेरा क्वेश्चन आ गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन केवल और केवल उसके नेचर पे, नेचर पे चार्ज एफ इक्वल टू क्यू ई तो करके आवेश, ओके डियर थैंक यू आगे चल भैया। ये हमारा एक शानदार क्वेश्चन आ गया जी जी, तो क्या कहता है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर में खूब क्वेश्चन है इसमें जी जी, एक रेडियस आर वन है एक आर टू है एक तार जोड़ दिया, जैसे तार जोड़ दोनों भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर सिग्मा वन सिग्मा टू इज, वो कहता भाई आर वन आर टू त्रिज्या के दो गोले हैं जिनको एक तार से जोड़ दिया, तब गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात सिग्मा वन सिग्मा टू क्या होगा, मैं एक बात बता दूं डियर एक नई बात बता दूं, ये कोई चार्ज है गोला है इस पे क्यू चार्ज है तो वी इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर, क्लियर जी कोई दिक्कत नो कोई दिक्कत नहीं, अब एक काम कर कोई दिक्कत नहीं है तो तू जानता सिग्मा क्या होगा क्यू बटे क्षेत्रफल 4πr² जी पक्की बात थी, तो ऐसा कर दूं इसको
ठीक है, आर से प्रो मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई, तो इधर फोर पाई आर स्क्वायर क्या हो गया एरिया, एरिया, और इसको एक इस डिवाइड क्या हो गया सिग्मा, तो v इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी, ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट हो गया, सिग्मा आर के रेशियो आ गया, बोला ना यस, v इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला कहता है कि तुम जोड़ा एक वायर से तो दोनों के v क्या होंगे समान, क्योंकि चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक, तो दोस्तों सीधी सी बात है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा के वन इसके वन, सिग्मा टू आर टू अपॉन एप्सिलॉन कैंसिल आउट, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, आर टू अपॉन आर वन सेकंड ऑप्शन हो रहा है यस। सुन यार एक बात और कर लो, वो यदि यही आपको रेशियो पूछ ले, कहता है पृष्ठ आवेश घनत्व का रेशियो ये है ठीक है ये, और तार से जोड़ दिया, इससे तो तार से जोड़ने का मतलब अनशुद्ध हो गया क्योंकि वो समान, वो समान है, वो कहता दोनों के सरफेस की तीव्रता समान है, ई समान कर देते हैं, ई समान कर देते हैं, तो फिर आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, ई समान करोगे तो ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जी, तो ई इक्वल टू वो तेरा के क्या है फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन क्या है आर स्क्वायर, तो क्यू फोर पाई आर स्क्वायर क्या होता है सिग्मा, तो ई इक्वल टू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां सिग्मा का आर से कोई रिलेशन ही नहीं मिले, बिल्कुल ये प्यारी सी बात दोस्त, इससे सिग्मा की मैं बात और भी कर लू, ये कोई बॉडी है इस पे मैंने कोई चार्ज फैला दिया तो यहां सब जगह सिग्मा सेम है, लेकिन ऐसी कोई यहां विभव तो सब जगह समान होगा बट यहाँ सिग्मा क्या होगा अलग 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 होगा, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, न्यूक्लियर सिरा आ गया, न्यूक्लियर सिरा आ गया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बड़ा पक्का है, v सबका समान है, चार्ज डेंसिटी अलग न्यूक्लियर सिरे की अलग अलग, क्लियर v अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि v तो चार्ज अपना इस तरह फैल जाएगा कि सब जगह v समान है, ओके डियर थैंक यू, आगे चलो फिर आ जा, वो कहता दो आइडेंटिकल चार्ज रिपल ईच अदर प्लस प्लस इक्वल टू 10 मिलीग्राम व्हाट व्हेन दे आर 0.6 अपार्ट, अगला साहब कहता है यार 0.6 मीटर की दूरी पे दो बोर्ड रखे हुए हैं उनके बीच फोर्स है ना वो 10 एमजी बैलेंस कर रहा है, तो बताओ प्रत्येक गोली पे चार्ज क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 10 मिलीग्राम, ये तो केवल कैलकुलेशन है भैया, अगला साहब कहता है क्यू वन चार्ज है दूसरा क्यू टू चार्ज है उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है देखिए सेम है, क्यू वन क्यू टू सेम है तो कोई बात नहीं, इसको एक 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 ऐसे कर दो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 10 वो मिलीग्राम है, तो मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई जी हो रहा है ना जी, बस तो मेरे साथ गुणा भाग कर दो इसका यार, तो करने गुणा भाग के क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना, आर क्या है 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू क्या है 10 टू पावर माइनस 1 माइनस तो यार छोड़ना 1 अपॉन 10 कर देना जी कर दिया जी, ये तेरा क्या आया 10 टू पावर 2 जी ठीक है, तो क्या चाहिए क्यू स्क्वायर जी, तो क्यू स्क्वायर ऊपर ले ये 36 जी बाई 9 बाई 9 मल्टीप्लाई 10 ये 11 10 ये है तो कितना हो गया 12 रूट कर ले इसका, रूट करेगा तो कितना बचेगा 6 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12 तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 6 तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 2 माइक्रो आ गया उसका दिक्कत है, तो 18 का आंसर क्या हो गया भाई 4 नंबर सर माइक्रो हो गया इसमें मुद्दे की बात ये थी दोस्त 10 मिलीग्राम भार तो इसको आपको 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई जी करना पड़ेगा जी 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 क्योंकि ये धारणा चीज का ठीक है ओके 19 आ जा भैया, ये हमारा फिर लाडला क्वेश्चन है, वो कहता है कि चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e वर्क डन व्हेन इट मूव्स ए डिस्टेंस y, सीधी सी बात है वर्क डन क्या हो रहा है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स qe qe तो qe मल्टीप्लाई डी डी वाई है जी qe वाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो फॉर्मूले वर्क के एक w इक्वल टू क्या होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, दोनों में से किसी को लेना जी। आगे चलो भैया, 20 आज का आधा काम हो गया, कुल 40 क्वेश्चन, पता नहीं चलता ना। आजा, दो चार्ज पार्टिकल है +3 और +8, इस पे फोर्स क्या देख, ऐसे पूरी बात कर रहे यार, पूरी बात कर, +3 +8। अब वो कहता -5 जोड़ा, तो इस पे जैसे तू -5 जोड़े क्या बचेगा, -2। इस पे क्या बचेगा, +3। बस ये कितना है, 24, तो पूरी गुणा बात कर 40 हो। तो दोस्त 40 इक्वल टू क्या है, के मल्टीप्लाई 24 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कहा जाता है जी जी, इतना फोर्स लग रहा है। अब कितना पर लगेगा, नहीं इतना वैसे देख लो, सीधा कहता हूं, जब 8 पे 24 होता है तब 40 होता है, तो 40 होता है, और ये आपका 6 है, तो दोस्तों 4 गुना कम हो गया तो 10 हो गया, ये ++ का -+ आ गया, आंसर आ गया। और इक्वेशन 1 बनाऊंगा, इक्वेशन 2 बनाऊंगा, 1 को 2 से कुछ नहीं, तो सिंपल है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24, जब 24 होता तो 40 है, तो 6 पे उसका 4 गुना कम हो जाएगा, लेकिन ये तो ++ था, ये +- है, इसकी जगह -आ जाएगा, नीचे आगे क्या हो गया, -2। आगे चले भाई, हमारी बात आ गई, तांबे की सीट रख दी 0 हो गया, बस दो चार्ज है उनके बीच किसी मोटाई की, कंडक्टर रखते ही भाई के ओ लड़के, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता, अनंत होता है, एफ क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, एफ डैश बोले उसको, एफ डैश 0 बन जाता है। ओके डियर, आगे चलो 22 पे आ जाओ, ये फिर देखो लाटे क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि 3 आवेश है क्यू, किसी साफ साफ कहता है पिक्टोरियल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज पे रखे हैं, वर्टेक्स करके वर्टेक्स पे, +Q, +Q और +Q, ये अन्य आवेश इसके केंद्र पे रखे अंदर, ये दिव्य सब भाषा गलत है, अन्य आवेश कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। मैं एक बात जानता हूं, इस पे टोटल फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है, आंसर क्या आ गया, 0 और ये कैसे आएगा 0, इसके मैं आपको बताऊं, पेज खाली कर भाई, ये बताओ 0 क्यों आता, देखो पेज खाली, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, देख लिए, इसके कारण इधर कोई फोर्स आएगा F, इसके कारण कोई फोर्स आएगा F, ये F कितना 120, याद करो F कोई दो वेक्टर 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट एक बार वो मीडिया बोर्ड पे बराबर आएगा। देखो दोस्तों इसके कारण क्या है F, इसके कारण क्या है F, कलर चेंज कर दें इसके परिणाम ही क्या आएगा F, और इसके कारण इधर था वो भी क्या था F है, तो रिजल्ट F डैश क्या हो गया 0 हो गया। तरीका होता है सारा खेल किसका है, वेक्टर का है। तो दोस्तों किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पे समान चार्ज रखा हुआ हो तो उसके सेंटर पे टोटल फोर्स क्या होगा 0। ओके नहीं है, आगे चल, ये और लाडला क्वेश्चन है, देखो ये क्या कहता है, कोई स्क्वायर है, ये +2 +2 -2 -2। दोस्तों मैं इसको नोट्स में से देख के बना लूं, तो बड़ा क्वेश्चन है, पेज खाली करने बाद दिखेगा नहीं, एक बार पेज खाली करना, देखो ये ऐसा प्रश्न है, ए बी डी सी +Q 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 -Q -Q -Q। अब जरा क्वेश्चन निकाल दे, क्वेश्चन निकाल बेटा, क्या कहता है, स्क्वायर के चार कोणों पे चार आवेश रखे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव V है। अब वो कहता A व B के आवेश क्रम से बिंदु D और C के आवेश में बदल दिया जाए, A और B को D और C में बदल दिया जाए, A और B को D और C में आपस में बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया, पेज खाली कर भैया, ये -Q ये -Q ये +Q ये +Q ये +Q। तो डी है विभव, तो पहले भी 0 है, विभव अब भी 0 है, लेकिन मुद्दे की बात का और दोस्त, विद्युत क्षेत्र बदलता है, देखो इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, तो रिजल्ट इंटेंस किधर आएगी, इस पर, क्योंकि प्लस से माइनस में देखो, इसके कारण इधर जाएगी, इसके कारण इधर जाएगी, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, इंटेंसिटी का संख्यात्मक मान न्यूमेरिक की रूल चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और वी पहले भी 0 था, अभी भी 0, पिछले कार्ड बेटा, तो क्या कहता है, ई नियत रहेगा ना,
ई बदलेगा, वी नियत रहेगा, सीधी सी जी जी। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। दोस्तों 23 का आपके सामने आंसर क्या आ गया भाई? फोर्थ आंसर आ गया। ओके डियर, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ये भी बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। जो क्या कहता है, एक्स वाई प्लेन आ जाओ, ये एक्स वाई प्लेन है, मूल ओरिजिनल पॉइंट पे इस जगह कोई आवेश क्यों रखा हुआ है। अब वो कहता है ए और बी के बिंदु ए तथा बी के ए के है रूट टू रूट टू, ए के क्या है रूट टू रूट टू, तो ए कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसके है रूट टू रूट टू, इसका मतलब है ये रूट टू रूट टू, ये तेरा रूट टू ये रूट टू, तो कॉमन सेंस के बाद कितना हो गया? टू हो गया, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? टू मीटर। दूसरा कौन है? टू जीरो, टू जीरो मतलब टू किस एक्स एक्स पे, तो ये यहां पे रखा हुआ है, ये मान ले ये यहां रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? दो। ये भी कितनी है? दो। तो इसके कारण भी क्या क्यों भाई आर, इसके कारण भी क्या क्यों भाई आर, तो यहां जो विभव है वो यहां है, तो डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। कुछ नहीं करना होगा भाई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये रूट टू तो रूट टू एक्स रूट टू वाई, ये टू, ये अगला आदमी क्या है टू जीरो पे है, तो इसके कारण कितना k³/2, यहां का जो विभव पोटेंशियल वो यहां का पोटेंशियल, तो डिफरेंस पुट क्या हो गया? जीरो। थैंक यू, आगे चलो क्वेश्चन 25 का है, ये हमारा फिर डालना क्वेश्चन है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है, मास m है, गति त्वरण क्या है, तो सीधे जानते हैं q=2 क्या होगा? ma, q क्या है? e की, तो e=2 क्या है? ma, तो a=2 क्या हो गया? e/m, तो e/m e/m क्यों, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्यों रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा? e, सीधी सी बात। आ जाओ क्वेश्चन 26 पे आ जाओ, फिर वही प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया है। तो वो कहता दो गोले ए व बी जिनकी रेडियस ए व बी है, पोटेंशियल क्या है? समान है, तो ए बी वो r2/r1 जी जी r2/r1 जो क्वेश्चन था, तो b / इलेक्ट्रॉन एक्स एक्स के अनुदिश गति करता है और विद्युत क्षेत्र वाई पे है, तो कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा, बट किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में, बात होगा परावर्तित, यही गुस्से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक, तो बात होगा सर्कुलर वर्ता का, ये बात कर चुका हूं मुझे पता है आने वाले। आगे चल भैया 28 फिर कितनी सुंदर चीज है। वो कहता है एक वर्ग है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग के विपरीत कोणों के प्रत्येक आवेश पे क्यू रखा हुआ है, ए लड़के एक वर्ग के विपरीत कोणों के प्रत्येक पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, क्यू 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 हो गया, दूसरे के विपरीत कोणों क्या रखा हुआ है? स्मॉल क्यू। अब वो कहता है कि क्यू पर परिणामी विद्युत बल इस पे लगने वाला किसी पर किस पे कैपिटल क्यू पर इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो? जीरो। ये इसका क्वेश्चन है। एक काम कर, तो q/q निकालना है ना, तो q/q निकालना है, देखो q/q निकालना है, ये तो है ना जी जी। अपना ऐसा कर, पेज खाली कर बच्चे, देखो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, इसका अर्थ ये है यार, सोलेंगे सर भगवान ने चाहे, एग्जाम की बात कर रहे हैं क्वेश्चन, क्यू बिल्कुल क्यू, और इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? जीरो जीरो, कलर चेंज कर दे, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? जीरो। अब देख उत्तर, ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये डिस्टेंस होती है रूट टू आर। अब देख इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा F1, वो क्या होगा? K q upon r square। इसके कारण एक फोर्स लगेगा, वो भी क्या है? F1। वो भी F1 ही रहेगा, वो भी क्या है? K q upon r square। एक फोर्स एफ ये है, एक फोर्स एफ ये, इनके बीच एंगल क्या है? 90। तो इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? √2F जी। और एक फोर्स इनके कारण, इसका मैं कलर चेंज कर दूं यहां पर, एक फोर्स इसके कारण लग रहा है, इसको तू एफ डैश कह दे और इसको तू फोर्स को F2 कह दे जी। एफ डैश इधर है जी, F2 इधर है। व्हाट इज F2? F2 इज के √2r का होल स्क्वायर। अब एक है √2f
और एक ही ऐप, इन सब का जोड़ करते हैं। क्यों? ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन होते हैं आर आर, तो आर प्लस आर होता है। तो दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रूट टू एफ, रूट टू एफ। एफ क्या है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है? प्लस 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 के क्यू क्यू अपॉन प्लस टू आर स्क्वायर जी। बस सम जीरो कर देते हैं, टोटल सम जीरो। आप क्या कहता है वापस आना क्वेश्चन वाला बेटा, और ये कहता है टोटल बल शून्य है, आजा पीछे चल वापस खाली कर, सुन खाली कर, तो इसको क्या कर दे? जीरो कर दे, जीरो। जैसे तू करेगा ये मिटा दे, ये मिट गया ना, तो तेरे साथ आर स्क्वायर कट गया, के क्यू क्यू कट गया, तो क्या बचा तेरे सामने? रूट टू क्यू ले लेते हैं, क्यों रूट टू, एक मिनट एक मिनट, ये कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू है ये, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू है ना जी जी, तो एक क्यू से क्यू कटेगा, तो क्या बचा? रूट टू क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू आ गया इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस 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 क्या बचा? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू बाई टू, ठीक है जी। क्वेश्चन वन क्या पूछता है? कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, आ जा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू माइनस टू रूट टू, रूट टू ए फर्स्ट ऑप्शन ए माइनस टू रूट जी, वो क्यू 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 उसका लगे बड़ा क्यू हो गया, हाँ कैपिटल क्यू। कहने का मतलब है किसका रोल है? वेक्टर रोल है, बिल्कुल, जिसको सभी साथी है ना वो कुछ भी कर लेगा जी। कि एफ और एफ 90 डिग्री पे है तो रूट टू एफ है, और एफ भी इधर एफ डैश भी इधर, तो दोनों को जोड़ते हैं ऐसे किसी बात। तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ ले पड़ा, तो एक बार जाके सेकंड गुरुनीति देख जिसमें हमने वेक्टर पढ़ा रखा है, बिल्कुल सेकंड गुरुनीति जो है वो वेक्टर की है, एक बार वेक्टर सिस्टम से पूरा। चलो आगे चलो, ये आपके सामने ठीक सी प्रॉब्लम है, तो लंबी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, आप थोड़ा कुछ करें जी 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 जी, आप करें इसको पेज खाली कर दें। यहाँ पे दो चार्ज दे रखा है, एक बेसिक कंसेप्ट में आपको बता दूं कि दो चार्ज दे रखे हैं और दोनों चार्ज को किसी स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर दिया आपने, और स्ट्रिंग से हैंग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका मास मैंने m मान लिया, इसका मास भी m मान लिया, और ये ऊर्ध्वाधर से कुछ एंगल थीटा बना रहे, तो इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स मिलेगा इस तरफ भी आपको मिल जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर मिलेगा, इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स मिला है वो मिल गया आपको k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मिला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट मिल गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिलेगा वो mg इधर भी मिलेगा, एक mg इधर भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने m इक्वल कंसिडर किया, प्रॉब्लम में कुछ अलग दे रहेगा, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से कंपोनेंट लेके हम देखेंगे कि टेंशन की वैल्यू, ये भी थीटा है तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा, तो थीटा मिल जाएगा, तो हम जैसे कंपोनेंट लेके देखेंगे तो ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा टी साइन थीटा, ये वेक्टर का कंसेप्ट अभी बोस ने बोला था आपको, तो टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें जो मिला है एक तो विद्युत बल मिला है जिसको कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मिल गया, अपॉन में mg मिल गया, तो यहां से t से t कैंसिल हो गया, tan थीटा जो मिला है वो विद्युत बल अपॉन में mg r स्क्वायर। अब जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम में जो हमें दे रखा है दोनों का मास अलग अलग दे रखा, फिर रिलेशन आपसे पूछा गया, थीटा एक कर दिया, लेकिन थीटा एक कर साफ कह रहा है थीटा वन कुछ निकालना बेटा, कुछ निकालना, ये देखो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू वापस आ जा, बस क्या दिखे बराबर कर दो, थीटा सेम हो गया, ये तो पहले भी सेम हो गया हमारा, तो mg भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसको ऐसे करना, कुछ एक बार मैं जैसे कहूं आपको k q1 q2 m1 g g सेम रहेगा जी, और इक्वल r स्क्वायर, r स्क्वायर ये कौन है k q1 q2 अपॉन q2 m2 m2 g r स्क्वायर, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मास क्या होगा, m1 equal to m2, m1 equal to m2, m2 दोनों का मास इक्वल मिलेगा, ओके डियर, तो आपका 29 नंबर का आंसर आ गया सेकंड, m1 equal to m2, खाली कर दो पेज को, m1 equal to m2, m2 मिलेगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ले खेल क्या है, कंपोनेंट तोड़ना, ये सब कुछ करना, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ो, क्या है भैया 30 में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी, कि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है, एक बार ध्यान सुनना भाई, ये लाडला क्वेश्चन अपना, यह इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा में प्रवेश करता है तो उसमें धक्का लगेगा, ये रिपल होगा, रुकेगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। फोर्स तो क्यू ही है, बट क्यू ही आपको क्या करता है, धक्का लगाता, मंदन पैदा करता, इंटरेक्शन पैदा करता, ये प्लस होता तो बढ़ जाता, बढ़ जाता, क्यू इक्वल टू एनर्जी आएगा। जी जी, क्यू इक्वल टू एनर्जी आएगा। ओके डियर, आगे चले बे। हाँ, क्या बात है, एक इलेक्ट्रॉन है, मास एम है, चार्ज ई है, वैक्यूम में वी विभवांतर द्वारा विस्तारावस्था स्थापित किया गया इसको, तो इलेक्ट्रॉन की अंतिम चार्ज क्या होगी, देख डियर, सीधा सीधा फंडा है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना उसके बाद बहुत अच्छे होते हैं, तो वी इक्वल टू टू वी बाई एम, ये देखा जाए तो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वहां काम आता है। भूल गए क्या, भूल गए क्या, भूल गए क्या, एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू इक्वल टू फाइव, फाइव याद नहीं है क्या, एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू इक्वल टू होता है ईवी नोट है, और ईवी नोट जस्ट इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वही तो है। जी जी, दिस इज इक्वेशन ऑफ फोटो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। आगे चलो भैया, फिर वही बात आई, देख ध्यान सुन, वो कहता तीन चार्ज ए बुझा वाले इक्वल ट्रायंगल के रखे हुए हैं, ए पर रखे आवेश पे अनुभव किया गया बल बी सी के लंबवत दिशा में होगा। सुन एक बात देख, ये तेरा माइनस है प्लस है, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इस तरफ, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इस तरफ, प्लस 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 है क्या, सॉरी सॉरी प्लस है क्या, तो कोई बात नहीं, इसके कारण फोर्स होगा इस तरफ, तो इसका तो रिजल्टेंट बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, लंबवत जीरो जीरो, लंबवत जीरो, ये फोर्स तो बी सी के समांतर आ गया, समांतर हो गया। आगे चलो भैया, फिर से हम कहानी आ गई, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए, साफ सुनो, मैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के केंद्र पे कुल तीव्रता क्या होती है, जीरो, कब है, जब सब जगह ई ई समान, क्यू क्यू समान, ये कॉमन सेंस की बात है। आगे चलो भैया, अगला एनर्जी एसोसिएट विद ए मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश से ऊर्जा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों दोनों होती है, ये बात की थी आपने, क्लास स्टार्ट यहीं से की थी हमने। आगे चलो भाई, 35 पे आ जाओ, ये एक विषय अच्छा सा आप समझाते हैं, ज्यादा थ्योरी का मैटर नहीं है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को इंक्लूड किया है। अब इंक्लूड किया था, हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग पेंडुलम बन गया, और स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला बहुत हम राइट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू पाई रूट एम बाय के, तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ना तो के को चेंज किया, ना एम को चेंज किया, कुछ चेंज किया नहीं, तो टाइम पीरियड तो आपका वैसे ही रह गया सेम, टाइम पीरियड सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी भी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हुई, बट एक एडिशनल फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया, और एडिशनल फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे क्यू ई लगेगा, जो इसकी मीन पोजीशन थी उसको हल्का सा शिफ्ट कर देगा, कितना शिफ्ट करेगा, एक्स डॉट से शिफ्ट कर देगा, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, बट मीन पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, तो हम कहेंगे चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, इफॉर्ट नहीं रहेगा, बस सेम मीन पोजीशन बोल दिया ना, इसमें वो गलत हो गया, हां of the same frequency ये सही है, growth will be of the same frequency and with shifted mean position, हाँ, अब यहाँ पे shift होने का reason electrostatic force है, बस इतनी सी बात, चलो खाली करो, आगे चलो, आगे आ जाओ भैया, ये अपना फिर लाडला क्वेश्चन, जी जी यार, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मेरे पास कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ, आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ भाई, चलो भाई खाली कर भैया, देखो डियर दो तीन बातें हैं, एक ये कोई गोला है, ठीक है डियर, एक ये गोला है, इस पे दिया गया सारा चार्ज पार्टिकल इसके सरफेस पे है और इसके पूरे वॉल्यूम पर है, ठीक है नहीं? अब मैं ध्यान जाऊं क्लास है, पहला केस है मेरा आर ग्रेटर देन आर, कॉमन सेंस की बात है, आर डिस्टेंस है, आर उसकी रेडियस है, तो इसका विभव का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, और इसका ई का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यदि मैं r इक्वल टू r करके सरफेस पे आ जाऊं तो v का फॉर्मूला होगा kq बाई कैपिटल r, और e का फॉर्मूला होगा kq अपॉन कैपिटल r स्क्वायर, और यदि r लेस देन r कर दूं तो v तो वो ही रहेगा kq बाई कैपिटल r, और e क्या हो जाएगा जीरो जीरो, तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, e क्या इंटेंसिटी है, वो किससे डेवलप, चार्ज से, कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं है, फील्ड नहीं होगा, ये एक कहानी हो गई यहां, इस पे चले, इस पे चले तो r ग्रेटर देन r है,
तो कोई फर्क नहीं, वो फॉर्मूला काम आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर और ई इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यदि तो सरफेस पे है तो भी कोई चेंज नहीं है, वी इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर और ई इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब यदि तू अंदर आ गया तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे जैसे पृथ्वी के तो ये तो चेंज कैसे होगा, तो ये तो ऐसे चेंज होगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर जी। और ये कैसे होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई टू आर थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब नीचे टू आर क्यूब जी। ये आपको याद रखना है। अब एक बात सुनना, यदि इसके सरफेस पे टेन है तो सेंटर पे भी टेन है, इसके सरफेस पे टेन है, सॉरी टेन है तो सेंटर पे डेड गुना, ये अवध करो ना, आर जीरो करते ही ये थ्री बाई टू डेड गुना हो जाएगा, यानी ये है चालक। कंडक्टर के सब जगह पोटेंशियल सेम होता है अंदर, लेकिन ठोस कुचालक सॉलिड इंसुलेटर के सरफेस पे वी है तो सेंटर पे थ्री बाई टू भी हो जाएगा जी। और फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी हो रही, ये आपको ग्रेविटेशनल वाली गुरुनीति पढ़ा दिया मैंने, वो दोस्तों गुरुनीति थी, गुरुनीति नंबर था 14, 14 नंबर की गुरुनीति एक बार साथ देख लो दोबारा, गारंटी 14 15 की गुरुनीति को एक बार इलेक्ट्रोस्टेट के साथ दोबारा देख लेना, एक ही चीज है जी, सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला। ओके डियर, आगे चलते हैं, पीछे वापस आगे क्वेश्चन, वो कहता है 5 सेंटीमीटर चल जाए खोखला गोला बस उस पे 10 वोल्ट है तो केंद्र में क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। सेम क्वेश्चन, आगे चले बेटा 37 वाला जा, ये क्या कहता है डियर, किसी वर्ग के चारों कोनों पे क्यू माइनस, एक मिनट बनाए जी, माइनस माइनस क्यू माइनस माइनस क्यू प्लस टू क्यू टू क्यू प्लस टू क्यू टू क्यू क्रम से रखे हुए हैं, क्यू तथा क्यू के बीच क्या संबंध होना चाहिए ताकि वर्ग केंद्र में शून्य हो जाए। देख भाई यहां पोटेंशियल शून्य करना है, इस डिस्टेंस को तो ऐसा कर आर मान ले जी, सारी आर आर आया और कुछ नहीं, पोटेंशियल वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सूत्र जोड़ दो, जोड़ना है। अरे भाई देखो स्केलर आती है ना दिमाग खराब होता है, दूसरी वेक्टर आती है दिमाग खराब होता है, स्केलर दिक्कत नहीं, आ जा तो जोड़ू जी, आ जा के माइनस क्यू और माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस टू के क्यू अपॉन आर प्लस टू के क्यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो। तो तेरे का क्या बच गया, केआर केआर सब कैंसिल आउट कर दो, सब सब कैंसिल हो गया, तो नहीं ये बच गया ना, नहीं केआर केआर कैंसिल आउट कर दो ठीक है, तो क्या बचा माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्या बचा क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो जी। तो क्या बोलूं यार, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस क्यू से सीधा काम सीधा आ गया, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। ओके सिंपल प्रैक्टिस थी, आगे चलो 38 बोल रहा है दोस्तों, वो कहता है इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल, कोई वर्क नहीं कोई वर्क नहीं कोई वर्क नहीं कोई वर्क नहीं, जीरो हो जाएगा, कोई कार्य नहीं, वन नो वर्क, सीधा फंडा है, सीधा फंडा है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डेल वी, डेल वी सीधी सी बात है भाई, कोई जीरो नहीं जीरो। आगे 39 में आ जाओ, ये यार एक बहुत करेक्शन है, इसको पूरा पढ़ो, आइडेंटिटी द फॉल्स स्टेटमेंट, ये चारों पढ़ेंगे अपन जी जी। इनसाइड ए चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड इज जीरो, आवेशित अवस्था उदासीन चालक के अंदर विद्युत शून्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी बता दिया मैंने कि किसी भी चार्ज पार्टी के अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होती है। आगे देख, आवेशित चालक के पृष्ठ पे स्थिर विद्युत क्षेत्र की स्पर्श ना 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 ना, ये हमेशा रेडियल होगा, हमेशा क्या होता है रेडियल, आउटगोइंग हो चाहे इनकमिंग हो, ये बात क्या होगी अपने गलत होगी, पर गलत होगी आंसर में सही होगी, बस हो गया अपना काम जी ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 40, ये फिर अपना क्वेश्चन आ गया, वो कहता आर रेडियस का वर्ग, देख बच्चे देख, आर रेडियस का कोई सर्किल है, 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे समान डिस्टेंस पे है, अनंत पे भी जीरो, हम सब जानते हैं अनंत पे भी क्या होता है जीरो, के सापेक्ष सी पर विभव वी, वो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो वी तो भाई सब इसी बात है कि जीरो हो सकता नहीं, और ई हमेशा इसके अंदर क्या होगा जीरो, तो वी नॉट इक्वल टू जीरो और ई इक्वल टू जीरो, ये बात को कष्ट रहा है। कहने का मतलब ये है एक खोखला चालक है उसके अंदर तीव्रता क्या होनी है जीरो, और वी है वो कुछ ना कुछ होना है जी, सीधी सी बात है कुछ ही कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ होना है, तो वी नॉट इक्वल टू जीरो और ई इक्वल टू जीरो, ये आपके 40 क्वेश्चन थे, इसी के साथ आपकी गुरुनीति इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट पूरी हो गई। आज हमने बेसिक बातें
ओके डियर, ऐसे इलेक्ट्रोस्टेट की दो और आएंगी और एक आएगी कैपेसिटर की, तो अभी तीन पे और बात करेंगे। तो आज 7 तारीख को आप देख रहे हैं, अब अगली गुरु हमारी 11 को आएगी, क्योंकि बीच में 8 का कल हमारी केमिस्ट्री बोटनी आएंगी और आपका 9 को संडे ऑफ रहता है, 10 संडे ऑफ है, 11 दिसंबर मंडे को, 11 जनवरी मंडे को मिलेंगे अगली के साथ। तब तक आप पूरा काम, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।